This video is very, very important for all the Symbiosis aspirant, those who are targeting for SLAT 2025. So SLAT 2025 की डेट ऑलरेडी आउट है 13th एंड 15th ऑफ दिसंबर 2024. ठीक है, ये डेट को आपका एग्जाम होने वाला है. रफली 40 डेज आर रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट 40 डेज में हाउ वी कैन क्रैक स्लैट विद द गुड स्कोर. 40 प्लस इज अ गुड स्कोर आउट ऑफ 60. सो ये 40 प्लस का स्कोर कैसे लेके आएंगे वो नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो डे वाइज टाइम टेबल आई विल बी गिविंग यू, स्ट्रैटेजी एंड डूज एंड डोंट्स, कट ऑफ कैंपस वाइज अप्रॉक्सिमेटली कितना जाएगा. ठीक है, ये सारी चीजें अगर हमें पता होगी सो डेफिनेटली अगर हम 40 डेज को अच्छे से चैनलाइज करते हैं सो यू विल बी हिटिंग गुड स्कोर इन दी स्लैट एग्जामिनेशन. नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस यू आर टारगेटिंग. एंड या शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मैनुअल लॉ क्लैट टू सीईटी प्रिपरेशन चैनल का नाम है. यहाँ पे आपको क्लैट के, एलिट के, स्लैट के, महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड अदर जितने भी लॉ एंट्रेंसेस हैं सारे के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे. अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लानिंग वीडियो, प्लेसमेंट वाले वीडियो, कॉलेज के रिव्यू वाले वीडियो, नोटिफिकेशन वाले वीडियो, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल. एंड या इस 40 डेज टाइम टेबल का आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए सो ये व्हाट्सएप ग्रुप है लॉ का, काइंडली गो एंड जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. यहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कंप्लीट पीडीएफ. अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, यहाँ पे भी आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग योर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट इट्स टाइम टू चार्ज योर बैटरी. ठीक है, जितने लोग अभी डीमोटिवेटेड हो या तो फिर जस्ट प्रिपरेशन चालू की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, 12 बोर्ड के साथ मैनेज कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज के, सो दैट इज ओके. बट थोड़ा टाइम निकालो आपके स्लैट प्रिपरेशन को लेके. सो एज आई ऑलवेज से इट्स ओके टू बी द लास्ट मूवर बट बी द फास्ट मूवर. आपने लास्ट में पढ़ाई चालू की, इट्स ओके, बट फटाफट चीजों को अच्छे से कंप्लीट करना चालू करो. सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दिस स्लैट. अगर आपने क्लैट प्रिपेयर किया हुआ है तो स्लैट निकलना डिफिकल्ट होगा बिकॉज क्लैट का प्रिपरेशन स्टाइल, पेपर पैटर्न, सिलेबस अलग है कंपेयर टू स्लैट. हाँ, कुछ चीजें हेल्प करेगी 40-50%, बट बाकी आपको स्लैट के लिए अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, सो मेन्यूअर का जो फुल कोर्स प्रोग्राम है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट है, ठीक है, ये प्रोग्राम अगर आपके पास है तो आगे का जो मैं टाइम टेबल दूंगा ये वीडियो सफिशिएंट है आपके क्लैट एग्जाम को लेकर. मतलब आप आराम से 40 प्लस लेके ही आओगे. इसके साथ साथ यू शुड हैव अ बुक्स और ई बुक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पज. तो आगे मैं गाइड कर दूंगा कोर्सेज को लेकर. आई विल शो यू द मेन्यूअर डैशबोर्ड एज वेल. और अगर मॉक नहीं लिखा है तो यू कैन ज्वाइन द मॉक प्रोग्राम. टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक फॉर दिस स्लैट एग्जाम वी हैव लॉन्च. एंड अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके, देन यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. menuvideo.com/lawentrance पे यू कैन विजिट. सो एवरीवन ड्रीम फॉर द पुणे कैंपस. उनका जो फ्लैगशिप कैंपस है सिम्बायोसिस का, दैट इज द पुणे कैंपस. उसके बाद आपका नोएडा हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, नागपुर हो गया. सो कौन सा कैंपस आप टारगेट कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट में बताओ लिख के. सो अगर फ्लैगशिप कैंपस में जाना है तो 40 प्लस टारगेट करो आउट ऑफ 60. बाकी के कैंपस के लिए कट ऑफ 40 के अराउंड या 40 से डाउन ही रहने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज पेपर पैटर्न. लॉजिक से 12 क्वेश्चन आएंगे फॉर 12 मार्क्स, लीगल रीजनिंग 12 क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स, एनालिटिकल लॉजिक जिसके अंदर आपका मैथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वो कैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके आरसी में 12 मार्क्स के लिए. जीके स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स 12 क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स. पूरे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए जिसको सॉल्व करना है आपको 60 मिनट्स के अंदर. एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का टाइम मिल रहा है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एग्जाम का डेट हमें पता है 13th एंड 15th ऑफ दिसंबर 2024. एग्जाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये इन्फॉर्मेशन है एग्जाम को लेकर के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेली टास्क, क्या क्या करना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए. इनफैक्ट इसको जॉट डाउन करके आपके नोटिस बोर्ड पर लगा दो एंड फॉलो द सेम. एक अरेंजमेंट लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर दो. आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियो दिए हुए अरेंजमेंट के, उसको देखो. और मेन्यूअर के जो ये बुकलेट है, अगर आपके पास ये बुक है वेल एंड गुड. दिस इज वॉट अ सेट ऑफ बुक यू विल बी गेटिंग फॉर द स्लैट प्रिपरेशन. या तो ई बुक का एक्सेस यू कैन टेक. इसमें 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है जो आपको प्रैक्टिस करना है. स्पेसिफिकली क्वांट को लेके, मैथ्स को लेके फर्स्ट 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट हो गया. बाकी लॉजिक, इंग्लिश, लीगल के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कम 3 times प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, डेली का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है. लॉग इन ऑन योर डैशबोर्ड, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पर लॉग इन करो. आरसी का पहले पूरा वीडियो देखो, देन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर मेन्यूअर बुक एंड देन डैशबोर्ड पर लॉग इन करो. 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है, वहां से सॉल्व करना चालू करो. वर्ड पावर मेड इजी, यार वोकैब वाले क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो वोकैब के लिए आपको वर्ड पावर मेड इजी करना होता है, ये वाली बुक है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ. ठीक है, बट अभी हमारे पास स्लैट के लिए तो टाइम नहीं है. अगर आप कर रहे हो या कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसका वीडियो
पूरा मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। पक्का आपके एग्जाम में इस वर्ड पावर मेडिजी से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज जीके। डेढ़ घंटा डेली का जीके पे देना, एक घंटा स्टैटिक, 30 मिनट्स करंट अफेयर्स। स्टैटिक के लिए पहले आपको वीडियो देखना है, फिर डैशबोर्ड पे हैंडआउट दिया वो करना है, और फिर जो मैन्यूअल की बुक है उसमें से टॉपिक को करना। लेट्स से आप हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री का पहले वीडियो देखा, फिर हैंडआउट से हिस्ट्री किया, फिर आपकी बुक से। करंट अफेयर्स में उल्टा है, पहले हैंडआउट्स को थ्रू करना, आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, एंड देन वीडियो। वीकली वीडियो दिया हुआ है, एक मंथ में 4 वीडियो है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ये खत्म करना है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। मॉक लिखना है भाई विदाउट फेल, 10 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च फॉर द स्लैट एग्जामिनेशन। हर मॉक लिखो, उसकी एनालिसिस करो, इसके साथ साथ टॉपिक टेस्ट, हर टॉपिक के प्रिपरेशन के बाद टॉपिक टेस्ट। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लास्ट। पहले क्वेश्चन राइट हो इस पे काम करो, फिर स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, अदरवाइज स्पीड बढ़ाने जाओगे तो क्वेश्चन गलत होंगे। सो 1 से 2 मॉक पर वीक लिखो, एंड एग्जाम खत्म होने तक, और एग्जाम खत्म होने तक आपके 10 मॉक हो जाने चाहिए। फर्स्ट वीक आप चाहिए तो थोड़ा प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट वीक से मॉक लिखना चालू करना। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट करने की जरूरत है, अगर आपको सच में सिम्बायोसिस कैंपस में जाना है तो। और दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइम टेबल, वीक वाइज और डे वाइज भी है। सो दिस इज द फर्स्ट 7 डेज का टाइम टेबल। जीके से मैंने फर्स्ट वीक में पॉलिटी रखा हुआ है, दिस इज द स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर्स के लिए आप आधा घंटा डेली का दे ही रहे, तो वो आप कंटिन्यू रखना। एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स खत्म करके लो, 6 मंथ मतलब आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, नवंबर तक पेपर बन चुका होगा। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, ये 6 महीने तक का करंट अफेयर्स आपको अपडेट होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक से नंबर लेटर सीरीज, इंग्लिश से सारे ग्रामर के रूल्स, ठीक है, नंबर एंड लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, ये 2 टॉपिक आप कर रहे हो फर्स्ट वीक में, एंड आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ऑलरेडी डेली बेसिस पे काम कर ही रहे हो, तो यहाँ पे भी मैंने टॉपिक लिख दिया हुआ है। एनालिटिकल कॉन्ट से आपका स्पीड, मैथ्स एंड परसेंटेज, तो बेसिकली आप हर सेक्शन पे हर दिन काम कर रहे हो, ठीक है। स्टैटिक से पॉलिटी का टॉपिक हो गया, देन आपका नंबर लेटर सीरीज, ग्रामर रूल, स्पीड मैथ्स, ठीक है, ये फर्स्ट वीक का टाइम टेबल है। टॉपिक टेस्ट और उसकी एनालिसिस करनी है विदाउट फेल, और एक फुल लेंथ मॉक लिखना है एवरी संडे। संडे का मतलब एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और देखो कि मेरी प्रिपरेशन कैसे हुई है, मेरा स्कोर कैसा आ रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी आगे की प्रिपरेशन को चैनलाइज करो। ये है वीक 1। अब आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 में अगेन टिल 14 डेज हिस्ट्री टॉपिक पे काम करना है, जीके से, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन फ्रॉम द लॉजिक, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, एंड आपके कौन से प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, अगेन टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टाइम टेबल एंड फॉलो द सेम। नेक्स्ट है आपका वीक 3। वीक 3 के अंदर ज्योग्राफी जीके से हो गया, रैंकिंग, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, फिर इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, और पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज वाले क्वेश्चन हो गया एनालिटिकल से, ठीक है, एंड टॉपिक टेस्ट एनालिसिस, और ये हो गया आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। सो वॉच ऑल दिस वीडियो फ्रॉम योर मैन्यूअल डैशबोर्ड। आपके मैन्यूअल के डैशबोर्ड पे सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया फुल कोर्स, आगे मैं इस कोर्स को लेकर गाइड भी कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आपको 2 से 3 बार देख लेने हैं, और हाँ, सारे क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं आपके मैन्यूअल की बुक या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट इज वीक 4। तो वीक 4 में आप करोगे इकोनॉमिक्स जीके से, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, इनपुट आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फिर लीगल चालू हो जाएगा। तो आप बेसिकली वीक 4 से लीगल चालू कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड आपका मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम योर कॉन सेक्शन, अगेन टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो वॉच ऑल दिस वीडियो फ्रॉम योर मैन्यूअल डैशबोर्ड। ये है आपका वीक 4। सो 1 मंथ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और मेजर चंक्स आपने कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वीक 5। सो वीक 5 में आप करोगे मिसलेनियस जीके, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, अवार्ड वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन हो गए, लॉजिक में इनइक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग, ये क्रिटिकल रीजनिंग है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और लीगल में आईपीसी, सिविल लॉ, लीगल मैगजीन, लिमिटेशन एक्ट, एंड क्वांट के अंदर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। तो मेजरली आपका 5th वीक तक मेजर चंक्स कवर होगा। अगेन आप टॉपिक टेस्ट भी लिख रहे हो, टॉपिक टेस्ट विल गिव टाइम प्रेशर, 10 क्वेश्चन 10 मिनट भागना है आपको, ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, फुल लेंथ मॉक भी हम लिख रहे हैं। तो प्रिपरेशन के साथ साथ आप टेस्ट भी लिख रहे हो, एनालिसिस भी कर रहे हो, और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज कर रहे हो। अगर कुछ नहीं समझ रहा है वीडियो के अंदर, तो वीडियो को जाके आप वापस देखो, और वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसको एक बार तो आप देख लो कि कैसे सॉल्व हुआ, फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इतना अगर आप करते हो तो यार आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, आप अच्छा स्कोर लेके आओगे। वीक 6 में जीके रिवीजन पे है,
लॉजिक के अंदर आपके कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ऑलरेडी इनिशियली बोला आपको एक अरेंजमेंट सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी टाइम टेबल में डाल दिया, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रैक्टिस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पार्टनरशिप, LLP, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ठीक है. और मैथ्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, फिर रिवीजन. तो बेसिकली देखा जाए तो आप 40 डेज में सब चीज़ें कवर कर ले रहे हो और अच्छे से पढ़ाई हमारी हो जा रही है. आप जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये टाइम टेबल लिख लेना एंड फॉलो द सेम. अगर हो सकता है आप थोड़ा लेट देख रहे हो, लेट से आपके पास 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर लेना. बट ये टाइम टेबल काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है आपके स्लैट एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके. और इट्स वंस यू लॉग इन ऑन मेनू डैशबोर्ड, ये लॉजिक के पूरे वीडियोज है जो मैंने आपको बताए कवर करने हैं, ठीक है. वैसे ही आपका इंग्लिश के ये सारे टॉपिक हो गए, ठीक है, और वैसे ही आपके बाकी के सेक्शन, ठीक है, लाइक वर्बल क्रिटिकल हो गया आपका, रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन. तो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस एंड स्टैटिक जीके के ये सारे मॉड्यूल है वीडियोस जो देखने हैं. वैसे ही करंट अफेयर्स का भी मॉड्यूल है. हर मंथ में देर आर 4 वीडियोस वीक वाइज, ओके. और राइट, टू ज्वाइन दिस स्लैट प्रोग्राम, manuvideo.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ. गो टू बाय ऑनलाइन लॉ एंट्रेंस में आ जाओ. यहाँ पे यू विल बी गेटिंग फुल कोर्स, ठीक है. यहाँ पे स्लैट को लेके वी हैव लॉन्च सेपरेट प्रोग्राम. ये है आपका स्लैट का प्रोग्राम. 600 प्लस वीडियो, handouts and mock test you will be getting, ठीक है. So once you join this program, immediately it will get activated and you can start your preparation. If you will go back, books order करनी है तो आप book order कर सकते हो. ये है आपकी book, set of books जो आपको सारे exams के लिए helpful रहेगी. You can take the access of e-book as well. And if you will go back, mock test के लिए एक तो topic test है ही आपका, दूसरा slat को लेकर we have launched 10 mock test. और sectional course, अगर आपका कोई section week है, सो आप सेक्शनल प्रोग्राम भी देख सकते हो, लीगल, इंग्लिश, जीके को लेके, रीजनिंग को लेकर के, ठीक है. इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. और एट नेक्स्ट है आपका कट ऑफ कैंपस, पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, 2022, 23 एंड 24. अगर हम कंपेयर करेंगे तो कट ऑफ मोरलेस सेम ही है, ओके. पुणे के अंदर 39 प्लस फॉर BLLB, 39 प्लस 23 में भी, एंड 2024 में इट वॉज 38. सो अराउंड अगर आप 40 प्लस टारगेट कर रहे हो, अगर आपका 40 से 45 के बीच में आ रहा है, आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हो, ठीक है. और बाकी BBLLB 34, 36 एंड दिस इज 35, ओवरऑल 39 के आसपास का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नोएडा कैंपस के लिए 32, 28, 31, तो 24 में इट वॉज 31 के आसपास. तो 32 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आपका नोएडा कैंपस सिक्योर्ड है, फॉलोड बाई एंड लाइकवाइज BBLLB. प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस कट ऑफ डेटा. हैदराबाद के लिए 26, 24, 25 एंड नागपुर के लिए 24, 22 एंड 22, ठीक है. तो नागपुर का कट ऑफ सबसे लो है एंड सबसे हाईएस्ट है आपका पुणे कैंपस का कट ऑफ. सो दैट मीन अगर आप 40 प्लस लेके आते हो आउट ऑफ 60, आप सेफर साइड हो सारे कैंपस को लेके. हर कैंपस से आपको कॉल आएगा एडमिशन के लिए. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. स्लैट को लेके मैंने कंप्लीट टाइम टेबल दे दिया, कट ऑफ भी दे दिया, डे वाइज पूरा क्या करना है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है. अब सिर्फ आपका काम है उसको फॉलो करना, अच्छे से प्रिपेयर करो. 5-6 घंटे दिन के अगर आप दे रहे हो तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है. याद रखना कि स्लैट में आपका स्कोर अच्छा आएगा तभी जाके सिम्बोसिस में एडमिशन होगा, ठीक है. बाकी सेकेंड राउंड के लिए वी विल बी गाइडिंग यू फॉर द इंटरव्यू राउंड एंड ऑल, सो बी कनेक्टेड विद अस. बाकी वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सेल्फ स्टडी कोर्स, फुल कोर्स, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक इट. बाकी 2025 CET एंड क्लैट 2026 को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर. अगर आप मुंबई में हो, पुणे में हो तो क्लासरूम के लिए यू कैन विजिट, बट इफ नॉट मुंबई एंड पुणे, बस ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया यू कैन कॉन्टैक्ट आर ऑनलाइन टीम. सारी इन्फॉर्मेशन अगेन डिस्क्रिप्शन में है. चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, मैनुअल लॉ क्लैट टू CET प्रिपरेशन. एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे स्टूडेंट को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.